गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ट्रेन जर्नी, जो कि मैं करने वाला हूँ हावड़ा स्टेशन से नई दिल्ली, और वो मैं करने वाला हूँ दिल्ली कालका मेल से, जिसका ट्रेन नंबर है 12311। और ये ट्रेन आज रात को 9:55 PM पे निकलेगी हावड़ा से, और ये ट्रेन दिल्ली पहुँचाएगी कल 8:55 PM पे। सो ऑलमोस्ट 24 आवर्स की ये जर्नी है। तो चलिए अभी हम स्टेशन के अंदर घुस रहे हैं। ये सबवे है, यहाँ से स्टेशन का रास्ता है, तो मैंने शॉर्टकट लिया है। तो अब मैं स्टेशन के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट वगैरह लगता है, अभी तो सब ख़त्म हो चुका है क्योंकि रात के लेट हो चुके हैं। 9 बजे तक ये मार्केट रहता है, 9 बजे के बाद सब खाली होना शुरू हो जाता है। तो स्टेशन की तरफ चलते हैं, काफ़ी दूर है स्टेशन की तरफ, थोड़ा सा वॉकिंग है। और अभी रश काफ़ी है क्योंकि सब ऑफिस से वापस घर आ रहे हैं, तो उस वजह से रश है। तो हम बस एंटर हो चुके हैं हावड़ा स्टेशन में, और ये आप देख सकते हैं कि सामने बोर्ड दिख रहा है। तो कब चल के कम से कम पहले देख लेते हैं कि हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म में आएगी। जनरली दिल्ली जाने वाली ट्रेन 8 नंबर या 9 नंबर प्लेटफॉर्म में आती है, क्योंकि वो हावड़ा स्टेशन का प्रीमियम प्लेटफॉर्म है। क्योंकि वहाँ पर एक सुविधा है कि आप अपनी पर्सनल व्हीकल, गाड़ी वगैरह जो है प्लेटफॉर्म तक ला सकते हो, पूरे ट्रेन के सामने तक। तो उसमें जो भी दिल्ली वगैरह जाने की जो ट्रेन रहती है या राजस्थान वगैरह की, तो वो सब 8 नंबर या 9 नंबर में ही आती है। तो चलिए अपने ट्रेन को खोजते हैं। और जैसा कि मैंने बोर्ड में देख लिया, 9 नंबर प्लेटफॉर्म में मेरी ट्रेन आने वाली है। तो अभी तो 7 नंबर के सामने हम हैं। ये देखिए 9 नंबर हम पहुंच चुके हैं, और ये रही हमारी ट्रेन खड़ी है। तो चलिए चलते हैं। B2 मेरा कोच है, 3rd AC में मैंने बुक किया है। इसका मुझे प्राइस पड़ा 1700 प्लस टैक्स वगैरह सब कुछ लेके 1700 मुझे पड़ा इसका। और ये ट्रेन पहले वेटिंग लिस्ट थी, बट लास्ट 19 तक थी, बट फॉर्चुनेटली मेरा ये टिकट कंफर्म हो गया और मुझे सीट मिल गई। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मिडिल सीट मिली, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए थी। मुझे चाहिए थी टॉप सीट, ऊपर वाली सीट मिल जाए, या साइड लोअर या साइड अपर मिल जाए तो वो मेरे लिए सही होता, बट वो मुझे नहीं मिला। कोई बात नहीं, अब चल के एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई अगर होगा एजेंट या कोई लेडी होगी तो उनको बोलूँगा कि आप मिडिल सीट ले लो, मैं टॉप का सीट ले लेता हूँ। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए मेरा कोच ऑलमोस्ट आ ही गया है, बस थोड़ा सा ही आगे है। स्लीपर लेने पे कोच काफ़ी आगे होता है, बट एसी में थोड़ा सा सुविधा है कि कोच काफ़ी सामने रहता है इंजन के पास। ये देखिए B2 मेरा दिख गया मुझे। और चलिए ट्रेन के अंदर घुसते हैं और अपनी सीट्स वगैरह देखते हैं। सो गाइस, मैं तो अब आके सीट पे बैठ चुका हूँ और सामान वगैरह रख दिया है। मेरी सीट ये मुझे मिल चुकी है, और मेरी सीट ये नीचे वाली थी, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने एक्सचेंज कर लिया एक लेडी से, उन्होंने मुझे अपनी सीट दे दी, मैंने उनकी सीट ले ली। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे अपर सीट मिल गई है। मुझे थोड़ा सा प्राइवेसी कंसर्न है, तो मैं अपर सीट में खुश रहता हूँ। मैं वहीं पर सोऊँ, वहीं पर बैठूँ, वहीं पर खाऊँ, मेरे लिए सही है वो। तो गाइस, मैंने सोचा कि मैं 100 रुपये का चैलेंज लूँगा दिल्ली पहुँचने तक, और मैं पहला 10 रुपये खर्च कर चुका हूँ और मेरे पास 90 रुपीज़ बचे हैं। तो ये मैंने चाय ले लिया 10 रुपये का। मैंने सोचा है कि 100 रुपये में मैं पूरे दिल्ली तक पहुँचूँगा और उसी में जो खाना है वही खाऊँगा। तो देखते हैं कैसे चलता है। मैं अभी आ चुका हूँ 3rd AC के वॉशरूम में, और आप देख सकते हो यहाँ पर फ़ैन है, जो कि 2 tier AC में नहीं था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि अभी इतनी गर्मी पड़ रही है तो ये फ़ैन बहुत ज़रूरी है, और लकीली इसमें से हवा भी आ रहा है, तो ये फ़ैन काफ़ी सही है, नहीं तो हालत ख़राब हो जाता है। और बाथरूम क्लीन है, बाथरूम के लिए तो कुछ बोल नहीं सकते। बाकी देखते हैं इसमें, हाँ सोप है, और पानी आ रहा है कि नहीं, पानी भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी भी फुल स्पीड में आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे वॉशरूम काफ़ी सही लगा, और सही है 3 AC के हिसाब से बहुत सही है। बाकी ये फ़्लश मुझे समझ भी नहीं आया, ये इतने ऊपर है, किसी का अगर हाइट अगर कम हो तो उसको कूद के फ्लश करना पड़ेगा। और ये क्या चीज़ है, ये मुझे समझ ही नहीं आया किस लिए, ये स्टैंड का रोल क्या है, पता नहीं। आप लोगों को पता है तो प्लीज़ बताना मेरे को किस लिए है ये। और सबसे अच्छी चीज़ जो कि इंडियन रेलवेज़ में हमेशा होता है, ये मग को सिक्कड़ लगा के रखते हैं, क्योंकि लोग मग चोरी करके चले जाते हैं। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज, और चलिए कुछ खाने का देखते हैं। तो मुझे यही सबसे सही लगा, सस्ते में बजट में यही था, 20 रुपीज़ का लगा, तो मैंने ये ले लिया खीरा, और बस यही खाऊंगा मैं।
सो गाइस, खीरे से काम नहीं हुआ पूरा, तो मुझे लेना पड़ा एक ब्रेकफास्ट, और मैंने लिया है ब्रेड और कटलेट, क्योंकि वेज खाना है। जैसा कि आप जानते हो, सावन का महीना है, तो मैंने ये ले लिया। ये मुझे पड़ा 40 रुपीज़ का, तो मेरे पास अब किटी में सिर्फ 30 रुपीज़ बचे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या मिलता है, वही खाएंगे। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अब कानपुर, और अब शाम हो चुकी है, थोड़ा भूख लग रहा है, तो फिर हमने ले लिया है समोसा। इसका हमें पड़ा 20 रुपीज़, और ये लेना भी ज़रूरी था क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी अब शाम को, क्योंकि लंच भी हमने किया नहीं था। तो बेसिकली देखा जाए तो ये 100 रुपीज़ का चैलेंज फ्लॉप ही रहा, क्योंकि आप भूखे रह के अगर आप चैलेंज पूरा कर रहे हो तो वो चैलेंज वर्थ नहीं है, तो ठीक है। सो गाइस, अब हम एंटर कर रहे हैं अलीगढ़ में, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो 100 रुपीज़ चैलेंज तो कम्प्लीटली फ्लॉप हो गया था, बट उसको सक्सेस बना दिया मेरे भाई ने, और वो मेरे लिए खाना लेके आ रहा है अलीगढ़ में, तो मेरे लिए 100 रुपीज़ का चैलेंज सक्सेसफुल रहा। और देखिए, ये आ गया है, स्टेशन पर पहले से ही वेट कर रहा था, और ये रहा मेरा खाना। सो गाइस, ये है मेरा खाना, और सबसे अच्छी बात है कि खाना एकदम गर्म था, अभी जस्ट बन के आया था, और घर का खाना था, तो मुझे ये खाना काफ़ी टेस्टी लग रहा है। और मैं फटाफट से ये खाना को कंप्लीट करता हूँ, और बस हम दिल्ली पहुँचने वाले हैं, तो बस इसके बाद मैं आपको दिल्ली में ही उतर के ये वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, और ये खाना खाता हूँ अभी। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली, और ये ट्रेन 4 घंटे लेट थी। अभी टाइम हो रहे हैं रात के 1:30 बज रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड हूँ उस ट्रेन की वजह से। ये मेरा पहला और आखिरी एक्सपीरियंस है इस ट्रेन में। मैं आपको रिकमेंड करेगा इस ट्रेन में मत जाना कभी भी, क्योंकि ये ट्रेन हमेशा लेट करती है, मुझे नहीं पता था। और अभी आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं रेड फोर्ट क्रॉस कर रहा हूँ, 15 अगस्त के लिए अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि मेरे वीडियो में क्या कमी है, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं इस वीडियो को अब यहीं एंड कर रहा हूं। होपफुली आप सब लोग अच्छे रहें, और टेक केयर एवरीवन, और प्लीज़ सपोर्ट करते रहें।